Assalamu alaikum guys, this is Shoaib Qureshi. You are watching Mobile Expert Shoaib channel. व्हाट्सएप नई खसूसियात और हिफाजत के साथ अपडेट होता रहता है, लेकिन इन अपडेट्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। व्हाट्सएप जल्द ही कुछ एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के लिए सपोर्ट्स बंद कर देगा जो कि पुराने OS वर्जन पर चल रहे हैं, और ये बहुत जल्द यकुम नवंबर से बहुत सारी डिवाइस को सपोर्ट करना बंद कर देगा। एप्लीकेशन को जारी रखने के लिए सार्फिन को न्यू मोबाइल परचेस करना बहुत लाजमी होगा, इसके अलावा एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे और वो डिवाइसेस जो 4.0.4 और इससे पुराने वर्जन पे ओल्ड वर्जन पे चलती हैं वो डिवाइसेस सारी काम करना बंद हो चुकी होंगी क्योंकि व्हाट्सएप सपोर्ट बंद कर डिवाइस। कुछ मशहूर डिवाइसेस जो कि एप्लीकेशन नहीं रन कर पाएंगी उसमें S3, सैमसंग गलेक्सी SII और दीगर बहुत सारी डिवाइसेस जिसकी 4.0.4 से वर्जन कम होंगे, ओल्डर होंगे, वो वर्किंग रन नहीं कर पाएंगी। और iOS 10 से पुराना सब ऑपरेटिंग सिस्टम चलना बंद कर देगा। बस नवंबर से ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी चलना बंद कर देगा iOS में, जिसमें कि iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE और दीगर iOS 10 से ओल्डर वर्जन वर्किंग में रन नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप इन सबको सपोर्ट करना बंद कर देगा। और नई डिवाइस पर स्विच करते वक्त सार्फिन को मशवरा दिया जाता है कि अपनी चैट्स और दीगर का बैकअप कर लें ताकि किसी परेशानी की वजह से आपका काम ना रुक सके और आप वर्किंग कर सकें। और इसके अलावा जो अभी व्हाट्सएप रिसेंटली बंद हुआ हुआ है उसकी भी वजह यही है कि व्हाट्सएप ने आपने अपडेट करना है तो इसकी वजह से इसके अंदर कोई बग्स वगैरह जिस तरह के आपको दिखा होगा यूट्यूब वगैरह पे या बहुत सी एप्लीकेशंस पे बग्स आते रहते हैं, तो इस पे भी टेक्निकल फॉल्ट है। ये कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, कल तक या कुछ घंटों में ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये अपडेट्स जो थी आपको देनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।